नमस्कार जोहार, आप देख रहे नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ एक नए शख्स जो है एक डॉक्टर राकेश रंजन जी। इन्होंने एक MBBS डॉक्टरी करने के बाद ये अब पब्लिक सेक्टर में एक चुनाव लड़ने का या राजनीति में अपना कदम रखना चाह रहे हैं और एक झारखंड के विधानसभा में एक झारखंड के क्षेत्र में एक जनमुंडी विधानसभा है वहां से अपना किस्मत आजमाने की तैयारी में है। अब इनसे जानना चाहेंगे कि आप MBBS डॉक्टर होने के बाद कौन सी मजबूरी हुई जो आप पे पब्लिक सेक्टर में या चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़कर के पब्लिक को सेवा करना चाह रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। राकेश जी, बहुत बड़ा जोहार जो आपने इस तरह बहुत बड़ा आपने कदम उठाया, क्या सोच के आपने उठाया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको अवसर दिया। साथ ही आपके नज़र 24 के जो दर्शक हैं उनको जोहार, प्रणाम और आदाब। मैं राजनीति में आना अचानक नहीं चाहा, एक्चुअली जब मैं कॉलेज के दिनों में आया तो हमारे यहाँ से बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते थे दिखाने के लिए, और मैं रिम्स रांची से MBBS किया हूँ, 2012 बैच रहा है हमारा। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल से डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, जस्ट अभी थ्योरी लिखा हूँ रेडियो डायग्नोसिस से। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा कि शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों दूरी बनाते हैं। दूरी बनाने का दो कारण भी है कि ये ऐसा लाइन है कि जनसेवा के लिए आप जो सोचेंगे, आप जो करना चाहते हैं, आम आदमी को भी समर्थन करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जब कोई सिस्टम पे नहीं बैठेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या सिस्टम की मजबूरी है, सिस्टम में क्या चीज़ ज़रूरी है, आम आदमी का क्या ज़रूरत है, चिकित्सकों का क्या ज़रूरत है, और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या करना है, नीति निर्माण कैसी करनी है। तो हमको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। एक शिक्षित आदमी जब नेता बनता है तो होता क्या है कि एक ब्यूरोक्रेट्स और एक शिक्षित लोगों के बीच में सामंजस्य अच्छा बनेगा। एक शिक्षित आदमी यदि समाज के निचले तबके को देखकर नीति बनाएगा, उनकी ज़रूरत क्या है, तो वो समाज को ज़्यादा कुछ दे सकता है। तो करीब करीब MBBS के दौरान मैंने देवगढ़ जिला से करीब करीब 1500 से 2000 लोगों को मैंने कुछ ना कुछ मदद किया। उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब होता क्या है, कुछ मरीज़ हैं कैंसर के मरीज़ हैं, हमारे यहाँ कैंसर की बहुत अच्छी इलाज नहीं होती है, मरीजों को जाना पड़ता है दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, तो आने जाने में भी तो किराया लगता है, लोगों का कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस में तीन चीज़ें हैं, एक मेडिकल एजुकेशन है, एक मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है और एक हेल्थ सर्विसेज। तो आप तीनों पे जब तक काम नहीं करेंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बना लीजिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ्स नहीं हैं, लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं, फार्मासिस्ट नहीं हैं, तो और अदर हेल्पिंग स्टाफ्स जो हैं उनका भी होना ज़रूरी है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ ऐसा है जो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। समाज जिस दिन हमारे समाज के लोग हेल्थ और एजुकेशन पे अपने नेताओं से सवाल करना शुरू कर देंगे, उस दिन समाज बदलना चालू हो जाएगा। और मैं तो जरमुंडी विधानसभा को इस बार नेतृत्व देना चाहता हूँ, और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वहाँ के जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा, अपील करूँगा, सहयोग मांगूँगा, समर्थन मांगूँगा कि आप एक बार हमें भी, हम पर भी भरोसा कीजिए। क्योंकि केवल हेल्थ और एजुकेशन ही इशू नहीं है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जरमुंडी में बहुत सारे किसान हैं, किसान के लिए हमें बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, समय पर खाद, कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे मान लीजिए बाढ़, सूखा, तो उसके लिए हमको टाइमली हमको उनको बेनिफिट देना पड़ेगा। अभी जिस विधानसभा से बात कर रहे हैं किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो भी है, तो आपने 4.5 साल जरमुंडी का ही विधायक है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो बोलते हैं, उनका दावा है कि हमने एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत ज्यादा किसानों के लिए काम किया है, अब आपने इस बात को नकार करने काम नहीं किया है, तो इस पर कितना सच्चाई है? देखिए, मैं जो देख पाता हूँ, मैं जब फील्ड में जाता हूँ, किसानों की बदहाली वैसी ही है, किसान के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज अंतिम 20 साल 24 साल हो गया झारखंड को बने हुए,
हमारे यहाँ जरमुंडी से 10 साल निर्दलीय विधायक रहे, 10 साल कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, अभी फिलहाल वो मिनिस्टर थे और उनको ड्रॉप आउट करके गोड्डा की विधायक जो है महागामा की दीपिका पांडे सिंह, उनको बनाया गया है। तो एक चीज़ ये भी देखना है कि उनको बनाया क्यों गया है। सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं योग्यता का तो कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, यदि आप अच्छा से काम करते तो आप नहीं हटते। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है, लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको दो दो मंत्री मिला 20 सालों में और आपके यहाँ पलायन नहीं रुका। आपके यहाँ 20 सालों में कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने वकील बने। तो हमको केवल डेवलपमेंट का मतलब रोड सड़क नाली इससे नहीं देखना है, हमको क्या वहाँ से गरीब बच्चे भी पढ़ के उच्च शिक्षा में जा रहे हैं कि नहीं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा है कि नहीं, कोई BHU जा रहा है कि नहीं, कोई JNU जा रहा है कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ से अधिकारी कितने बन रहे हैं, कितने लोग UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग JPSC क्वालिफाई कर रहे हैं। तो विकास का मानक को हम व्यापक बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत पावर और पैसा के लिए आ रहा हूँ, मुझे वहाँ की जनता को मतलब बहुत सारा चीज़ बदलना है। हमारे यहाँ जो PHC है वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है उसकी हालत बदतर है। अंतिम 24 सालों में जो है हमारे राज्य को कितना मेडिकल कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज की मेडिकल एजुकेशन कितना अच्छा रहा, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले, कितने ITI कॉलेज मिले, कितने डिग्री कॉलेज मिले, कितने पैरामेडिकल कॉलेज मिले, नर्सिंग कॉलेज मिले। तो हम शिक्षा 10 साल निर्दलीय विधायक रहे, 10 साल कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, अभी फिलहाल वो मिनिस्टर थे और उनको ड्रॉप आउट करके गोड्डा की विधायक जो है महागामा की दीपिका पांडे सिंह, उनको बनाया गया है। तो एक चीज़ ये भी देखना है कि उनको बनाया क्यों गया है। सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं योग्यता का तो कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, यदि आप अच्छा से काम करते तो आप नहीं हटते। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है, लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको दो दो मंत्री मिला 20 सालों में और आपके यहाँ पलायन नहीं रुका। आपके यहाँ 20 सालों में कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने वकील बने। तो हमको केवल डेवलपमेंट का मतलब रोड सड़क नाली इससे नहीं देखना है, हमको क्या वहाँ से गरीब बच्चे भी पढ़ के उच्च शिक्षा में जा रहे हैं कि नहीं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा है कि नहीं, कोई BHU जा रहा है कि नहीं, कोई JNU जा रहा है कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ से अधिकारी कितने बन रहे हैं, कितने लोग UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग JPSC क्वालिफाई कर रहे हैं। तो विकास का मानक को हम व्यापक बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत पावर और पैसा के लिए आ रहा हूँ, मुझे वहाँ की जनता को मतलब बहुत सारा चीज़ बदलना है। हमारे यहाँ जो PHC है वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है उसकी हालत बदतर है। अंतिम 24 सालों में जो है हमारे राज्य को कितना मेडिकल कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज की मेडिकल एजुकेशन कितना अच्छा रहा, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले, कितने ITI कॉलेज मिले, कितने डिग्री कॉलेज मिले, कितने पैरामेडिकल कॉलेज मिले, नर्सिंग कॉलेज मिले। तो हम शिक्षा के लिए अपने आप को कितना व्यापक बना पा रहे हैं ये भी तो सवाल करना है। दूसरी बात है हमारे यहाँ नीति निर्माण में, हमारे यहाँ नियोजन नीति नहीं है अच्छा, हमारे यहाँ स्थानीय नीति नहीं है अच्छा, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पे है, उस पर रोकथाम लगना चाहिए। हमारे यहाँ पुनर्वास की नीति नहीं है, विस्थापन की नीति अच्छी नहीं है, उद्योग की नीति नहीं है, हमारे यहाँ कला संस्कृति के लिए नीति नहीं है, हमारे लिए जो हमारे भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। झारखंड विविधता का देश है, विविधता का प्रदेश है। तो हमको सबको डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि 100% पॉपुलेशन को आप डेवलप करना। आज भी आप सुदूरवर्ती गांवों में जाएंगे तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ों को बदलने का ज़रूरत है और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, हम ऐसा मानते हैं। हाँ, अब हम दूसरी बात है कि ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, लेकिन आप यदि नहीं आओगे तो वो जो जगह है दिन ब दिन और ख़राब होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ, लोग हमें कितना चाहेंगे, कितना हमसे प्यार करेंगे, हम पे कितना भरोसा जताएंगे, हम तो खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं। हम तो एक चीज़ मतलब वादा करते हैं कि यदि जरमुंडी की जनता मुझे अवसर देगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं वहाँ बदलने के लिए जी जान लगा दूंगा। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो मैं बिल्कुल सुनूंगा, मैं सुनने पर विश्वास रखता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आएगा तो हम उनके लिए अलग से सुनेंगे, कोई अमीर आएगा तो उनके लिए अलग सुनेंगे। हमारा सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रहेगा। हाँ, ये भी बोलता हूँ कि 100% लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आप नए नए आ रहे हो। हाँ, विधायक बनता हूँ तो जो वोट करेंगे उनका भी मैं विधायक रहूँगा, जो नहीं करेंगे उनका भी रहूँगा, मुझे सबका काम करना है। हमको एक नया राजनीति
स्थापित करना है कि झारखंड में सब कुछ है, हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास अवसर है, लेकिन हमारे पास अच्छे नेता नहीं है। आज भी हमारे, आप मान लो कि हम जरमुंडी से विधायक बनते हैं, तो क्या हम देवघर जिला का जिला अस्पताल को ठीक करना चाहेंगे तो क्या सारे जरमुंडी को फायदा होगा? क्या वो सारे विधानसभा के लोगों को फायदा होगा? यदि हम कोई लॉ कॉलेज खुलवाने की बात करें, पत्रकारिता के कॉलेज खुलवाने की बात करें, तो सबको फायदा होगा। संथाल परगना हम दुमका जो है उपराजधानी है, लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे? आज भी देखिए हमारे लोग पढ़ने के लिए भी कितने बच्चों का ड्रॉप आउट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मिला जुला के काम करना चाहते हैं। अब देखिए जनता हम पे कितना भरोसा करती है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। राकेश रंजन जी, मेरा कहना है कि आप जो जो पॉइंट रखे हैं वो आपका जेवी केसेस से मिलता जुलता है, कहीं आप इंडिकेट कहीं जेवी केसेस तरफ जाने का तो नहीं है? नहीं, मैं युवा हूँ और अभी ऐसा कुछ जेवी केसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं अभी वो अभी कुछ बोलेंगे, हमसे बात करने की इच्छा जताएंगे तो हम उस पर सोचेंगे। लेकिन अभी मेरा फोकस है कि हम लोगों को समझाएं, लोग हमें सलाह दे कि हमको क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी में जाना चाहिए, कि अभी उभरता जो चेहरा है युवाओं का, जनसैलाब जो झारखंड में बदलाव की ओर दिख रहा है, उस उधर जाना चाहिए। मैं उस पर फैसला लूँगा, क्योंकि ये तो एक हमारे चाहने से नहीं होगा, वो उनके चाहने से भी होगा। हमें जो वोट करके चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं उनके चाहने से भी होगा। तो जन समर्थन और सुझावों का, मैं देखिए मैं अपने जीवन में सुझावों का बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता हूँ कि सुझाव जितना अच्छा होगा, आप जितना सुनेंगे ना उतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि समस्या सुनने वाला ही समाधान दे सकता है, क्योंकि आप यदि सुनेंगे नहीं तो अच्छा प्रयास नहीं हो सकता है। तो मेरी हमेशा से राजनीति में एक ईमानदार राजनीति स्थापित करने का इच्छा रहती है। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की राजनीति करना पसंद नहीं करते हैं और हम सकारात्मक राजनीति सोचते हैं। अभी देखिए 24 घंटा होता है, दिन रात मिला के 24 घंटा के बाद दिन बदलता है। तो अभी 24 साल झारखंड का हो चुका है और ये 24वां साल मतलब अगला जो 25 हम घुसेंगे ये बदलाव का संकेत भी, तो इस संकेत को हम साकार करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या आगे होता है, फिर उस पर हम अपना डिसीजन लेंगे। मैं डॉक्टर राकेश रंजन।